हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम अपना इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस देखने के लिए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about how to plot such type of the points। जैसे क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाई डैश है, ये क्या इधर का निगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब एक्स डैश है। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। अगर हम बात करें, हमको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम कहें आपसे प्लॉट करने के लिए पॉइंट कि आप पॉइंट प्लॉट करिए 5,0, 2,0 एंड -1,0 एंड सो ऑन। मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जिसका कि वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो, 0। तो प्लॉट करोगे तो आप ऑब्वियस ही बात है, आप एक्स एक्सिस पे ही डिस्टेंस आप कवर करोगे, वाई पे नहीं चलोगे, क्योंकि वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से हमारा 5,0 कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या 5,0 है, इसकी पोजीशन क्या है, 5,0। 2,0 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2,0। -1,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, -1 है, तो -1 मतलब एक्स एक्स निगेटिव डायरेक्शन जाएगा, तो -1,0। तो इस तरीके से हमने देखा क्या है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिले हुए हैं, इसका वाई वाला पॉइंट्स क्या है, 0 है। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स जिसका वाई वाला मतलब ऑर्डिनेट जिसका 0 है, वो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। कहाँ पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे कब लाई कर रहे हैं, जब वाई वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से क्लू निकल के आया है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x,0 के फॉर्म में है, कोई भी कोऑर्डिनेट x,0 के फॉर्म में है, तो वहाँ पे डेफिनेटली y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y = 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में, हम समझ लेते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है। जैसे हमने उसी टाइप से एक एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, और मैंने प्लॉट करने के लिए आपको बोल दिया कि आप प्लॉट करिए कि 0,1, 0,5, 0,-1। इस तरीके से अगर पॉइंट्स आपको मिल जाए जिसमें कि एक्स वाली वैल्यू 0 हो, जब एक्स वाली वैल्यू जीरो होगी, मतलब उसका जो है कि एब्सिसा 0 होगा, मतलब पहला वाला जो पॉइंट्स है वो 0 होगा, तो डेफिनेटली आपका जो दूसरा पॉइंट होगा कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे ही मूव करेगा। 0,1 कहाँ पे जाएगा, ये आपका क्या है, 0, ये क्या है, 1। तो ई इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 है, मतलब एक्स पे तो गया नहीं, कहाँ गया, वाई पे गया, इसे 0,1 हो गया। अब फिर 0,5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक्स पे आपको नहीं जाना है, कहाँ जाना है, वाई पे, क्योंकि वाई वाला डिस्टेंस कितना है, 5 है। 0 पे कितना है, एक्स पे कितना है, 0, जो पहला एक्स होता है, दूसरा क्या वाई होता है। तो हमारा ये 5,0 यहाँ पे हो गया, 0,5 यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये सारे कोऑर्डिनेट सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और कब वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस तब लाई कर रहे हैं जब एक्स वाली वैल्यू 0 है, ओके। तो यहाँ से आपको क्लू निकल के आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया। सो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वही होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, ओके। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तब जितने भी लाइंस, जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे ही लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई बराबर 0। अब एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन
लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। अब इसको कर समझने के लिए एक और हम पॉइंट प्लॉट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वो लाइन हमारी कैसी जा रही है। ठीक है, हम फिर से कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस हो गया है, ये हमारा क्या निगेटिव एक्स, ये क्या है इधर निगेटिव वाई, ये क्या है हमारा ओरिजिन है। अगर हम आपसे बात करें कि आप प्लॉट करिए इक्वेशन आप एक्स एक्सिस को समझना है, तो हम बात करें कि आपको 1.2 प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे हम कहें 1.2 प्लॉट करिए, ठीक, और 3.2 प्लॉट करिए एंड -1.2 प्लॉट करिए। तो जब ये सारी पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपको मिलेगा ये होप भी आपका एक्स भी कितना 1 जाएगा, वाई भी कितना 1.2 यहाँ पे जाएगा 1.2, 3.2 कितना हो जाएगा, एक्स भी कितना होगा 1.2.3 और वाई भी कितना होगा 2, यहाँ पर होगा दूसरा पॉइंट। -1.2 कितना होगा, -1 हमारा इधर है, 2 कहाँ पर होगा, यही होगा। अब इस पॉइंट्स को अगर हम मिला दें सभी तीनों पॉइंट्स को, तो हमारा इस तरीके से लाइन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तीनों को अगर फ्री हेड से मिला दें तो हमारे पास ऐसे जाएगी। अब सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जब वाई वाले पॉइंट्स सेम है, जब यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया है, कोऑर्डिनेट लिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाई वाली वैल्यू जो है, जो वाई एक्सिस पे मूव कर रही है, वो वाली वैल्यू हर जगह क्या है, कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कोऑर्डिनेट जिसका वाई वाला वैल्यू कॉमन है, तभी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर हम उस लाइन, उस पॉइंट को प्लॉट करके और उस सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं फ्री हैंड से, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, वाई वाला वैल्यू क्या होगा, कॉमन होगा। जब वाई वाली वैल्यू कॉमन है, तो एक चीज़ यहाँ से निकल के आ गया कि अगर किसी भी एक्सिस पे हमको इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, तो दैट मीन्स वाई की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। मीन्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज वाई इज इक्वल टू ए। वाई की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, ए। तो वाई बराबर ए इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम इट, द लाइन इज अबव द एक्स एक्सिस अगर होगा तो ए ग्रेटर देन जीरो, और लाइन अगर बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। मीन्स यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, निगेटिव डायरेक्शन क्या नीचे है। अगर हमारा ए निगेटिव है, इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो, तो हमारा जो जाएगा लाइन वो कहाँ जाएगा, नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ए जो लाइन होती है ऊपर और नीचे, तो ए ऊपर क्या हमारा पॉजिटिव ए है, नीचे क्या है, निगेटिव ए है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम उसी तरीके से हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें हम, तो इस तरीके से हमारे पास अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, तो यहाँ पे लाइन हमारे ऐसे ही जानी चाहिए। ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस हमारा, इसके पैरेलल लाइन जाएगी, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे हमने लिया क्या, यहाँ पे 2.3 ले लिया, 2.3, 2.1, 2.4। अब इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करोगे जिसका कि एक्स वाली वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और वाई का कुछ भी हो चलेगा, तो 2.3, 2.1, 2.4 इस तरीके से अगर हम पॉइंट को प्लॉट करें, तो देखते हैं क्या मिलता है,
ठीक है। तो 1 2, 2.3 हमारा किधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या होगा, 2.3। 2.1 कितना हो जाएगा, 1 2, 2.1 यहाँ पे होगा। 2.4 की बात करें तो हम कितना हो जाए, 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो 2.4 हमारा यहाँ पे होगा। 2.-1 की बात करें हम तो 2.-1 मतलब 2x पे गया, -1 इधर गया, यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो लाइन को अगर इस सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या होगा, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, ये लाइन पैरेलल है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सभी पॉइंट्स में ये देखा कि हमारा कितना है, 2.3 है, 2.1 है, 2.-1 है, 2.4 है, सभी में आप देख रहे हो कि x वाली वैल्यू क्या है, कॉमन है। तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या बता रहा है कि जब वाई की x की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर x की वैल्यू फिक्स है तो मान लो यहाँ पे लेट x इक्वल टू क्या हो गया, b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू बी। अब x इक्वल टू बी, अब अगर हम कहें कि ए इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा वाई एक्सिस के राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, वाई बराबर बी अगर है, वाई बराबर बी नहीं, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी अगर है, ये कैसे बताओगे कि वो जो हमारा लाइन है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है राइट साइड है, वो किस पे डिपेंड करता है, अगर बी ग्रेटर देन जीरो है तब तो क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस के क्या होगा, राइट साइड लाई करेगा। अगर बी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो किधर लाई करेगा, वो लेफ्ट साइड राइट लाई करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ध्यान से इसको देखिए और इसको फिर समझिए।